हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आपको एक बार आज फिर से लेके आ चुके हैं अम्पियर मार्केट, और रावलपिंडी के अम्पियर मार्केट में आपको एयाज भाई की शॉप पे लेके आए हैं MSZ। ठीक है, तो इसमें जो जो नई एक्सेसरीज वगैरह की वैरायटी आई हुई है इनके पास, तो इनकी वैरायटी का आप लोगों को सबका विजिट कराएंगे। और वो जो जो चीज़ें हैं उनकी उनके पास नहीं आई हुई, इन सबकी आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, बाकी क्या क्या फंक्शन है इन सब चीज़ों के, सारे फंक्शन आपको दिखाएंगे। एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यस भी, अस्सलाम वालेकुम। तो यस भी, अच्छा आप हमें बताएं आपके पास कौन कौन सी वैरायटी आई ये नहीं थी हमारे पास ना, ये ओप्पो हो गए, टेक्नो हो गए, इन्फिनिक्स हो गए। इसके अलावा ये वाली हैंड फ्री है, ये रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, ये जो हैंड फ्री है ना, जो सेट के साथ जो आते हैं ना डब्बे में, वो हैंड फ्री है जी। तो इसको एक में निकाल खुलती है पैकेट जी जी, इसमें से निकाल के दिखाएं ना हमारे फ्रेंड्स को। ये भी देखिए, रेडमी वगैरह की, सैमसंग वगैरह की ओरिजिनल हैंड फ्री है जो कि बॉक्स में निकलती है इनके, इन्फिनिक्स के जो बॉक्स वगैरह में निकलती है मोबाइल के साथ। ठीक है, पैक जी इन्फिनिक्स, ये देखें इन्फिनिक्स का हैंड फ्री है ओरिजिनल। उसके अलावा ये माइक वगैरह भी है ये। तो फ्रेंड ये देखें, मोबाइल्स के ओरिजिनल डॉक्टर पड़े हुए। तो ये कौन कौन से कंपनी है? ये इन्फिनिक्स के हैं, सैमसंग के हैं, ये ओरिजिनल वाले हैं। ठीक है, ये फास्ट मैसेज वाले हैं। उसके अलावा ये वन प्लस वाले 65 वोल्ट हो गए, इसमें 45 वोल्ट है, सब पड़े हुए हैं। ये भी ओरिजिनल है, ये कॉपी नहीं है। और नोकिया के भी जेन्युइन पड़े हुए जो C1 के साथ आते हैं ना, ये देखें, ये हो गए नोकिया के, ये नोकिया के हो गए। इसके अलावा हवावे के हमारे पास पड़े हुए ये वाले पास मैसेज वाले, ये मैसेज देते हैं, ये सेट से निकले हुए हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये साथ में, उसके अलावा ये डेस्कटॉप है जो परसेंटेज भी शो करते हैं ना, इसको डडू चार्जर बोलते हैं। ये स्टैंड हो गए, ये मोबाइल काउंटर स्टैंड है, ये नोजी सिम है जो सिम को छोटी बड़ी करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये पबजी थंब है, हैंडल शैंडल बन जाते हैं। उसके अलावा ये हैंड फ्री, इसके अलावा ये हैंड फ्री रिमैक्स वाली है, ये सैमसंग वाली, ये हमारी अपने ब्रांड की है MSZ ब्रांड की इनकी। तो ये इनकी अपनी ब्रांड है MSZ, तो ये इसकी क्वांटिटी आपको सबसे ज्यादा मिल सकती जी। है बाकी गेमिंग के लिए हमने बनाई है ना स्पेशल, गेमिंग के लिए बनाई है। ये लेफ्ट और राइट भी बताती है ना। ठीक है, ठीक, साउंड में भी, यानी कि एक कभी इस साइड से आवाज आती है जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो ये इनकी क्वालिटी वाली है और गारंटी वाली हैंड फ्री है MSZ की। और ये जो है ना प्योर रबर में बनी हुई, प्योर प्लास्टिक में, कि सबसे ज्यादा इसकी क्रैक नहीं होती। ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये कार्टन भी है, ये भी है, इसमें गोदाम में भी काफी पड़ा हुआ है माल। यही MSZ वाली है, MSZ वाली है, व्हाइट ब्लैक दो कलर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बैटरीज वगैरह आपको नोकिया के छोटे सेट की है, सैमसंग के, क्यों मोबाइल्स के, क्योंकि ये सामने लगे हुए। हाँ, ये देखें क्यों मोबाइल काफी नाम के नीचे लूज भी पड़े हैं। ये देख लें, यहाँ पे छोटे स्पीकर्स भी हैं इनके पास, ब्लूटूथ स्पीकर M3 M1 वगैरह। ठीक है, उसके अलावा ये ट्राइपॉड है, सेल्फी स्टिक है जी, सेल्फी स्टिक है। ये एक निकाल के हमारे फ्रेंड्स को दिखा दें ताकि खोलूं जी। जी खोल लें, ये देखें, ये ठीक है, ये बटन है इसका पिक्चर लेने जी, पिक्चर लेने के लिए। बाकी आप इससे वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं, पिक्चर भी बना सकते हैं जी जी। तो इससे अच्छी क्वालिटी भी है, ये सीजन आ रहा है ना कि लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए जी जी जी, मरी वगैरह चले गए, मरी वगैरह। हाँ, तो ये इसकी अच्छी क्वालिटी भी है या फिर नॉर्मल ही? अब इसमें हमारे पास यही है, एक इसमें आती है ब्लूटूथ वाली, वो तो ये क्या चीज है, ये USB हब है, 3.0 एम्पेयर है। ठीक है, इसमें एक टाइम आप कार्ड रीडर लगा सकते हैं, USB लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह, और ये चार्जर दूसरी साइड इसकी किधर हो? 4 पोर्ट है ना, ये लिखा हुआ है इस पे। ठीक है, ठीक जी, 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर है और 4 पोर्ट है। ये फ्रेंड देख लें होल्डर, ये बाइक्स और साइकिल के लिए, दोनों के लिए। और ये आप लोग इससे अपनी वीडियो बना सकते हैं, अगर ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, साइकिल वगैरह की साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो वगैरह लगा सकते हैं सामने। और बाकी लोकेशन वगैरह, मैप वगैरह के लिए, तो ये होल्डर है, मोबाइल होल्डर है, एक तरह से बाइक होल्डर है। ठीक है, तो ये इसकी भी क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए इतनी मिल जाएगी। फ्रेंड ये देख लें ट्राइपॉड,
पीछे स्टैंड है, इनके स्टैंड्स वगैरह हैं, इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मोबाइल लगेगा और साथ में इसमें कैमरा भी लग सकता है, DSLR वगैरह जी। ये साइज है यहाँ से छोटा बड़ा करने के लिए, देखिए ठीक है। ये लेंथ देख लें आप इसकी, ये कितने फुट वाला है? ये 4 फुट है, ये 4 फुट यहाँ से, ये 3 फुट हो गया ठीक है ये, और ये यहाँ से भी ओपन होता है, यहाँ से भी होता है ठीक है। 1 फुट यहाँ से हो जाएगा, 1 फुट यहाँ से, 3 फुट यहाँ से, 4 फुट, 4 फुट वाला है। ये देख लें इसका होल्डर साइड, ये यहाँ पे भी होल्डर बना हुआ है ठीक है, और इसके ऊपर ये जो है मोबाइल भी आप लगा सकते हैं ठीक है, और मोबाइल का स्टैंड के साथ हैंडल भी ये देख लें, और ये भाई ने ऊपर लगा दिया इसके ऊपर, इधर आप घुमा सकते हैं ना ये जी ठीक है। इस साइड से मूवी वगैरह बनाने के लिए ना इसको हर तरफ रोटेट कर सकते जी ठीक है। तो इसकी भी क्वांटिटी जितनी चाहिए जी, इसकी भी क्वांटिटी काफी क्वांटिटी ठीक है। ये डॉक्टर फ्रेश डॉक्टर है जी ठीक है जी, ये नए वाले हैं ये सारे, इनफिनिक्स है, टेक्नो है, वीवो है, इसमें 2 साइज है, एक छोटे वाले एक बड़े वाले ठीक है। ये वाले जो है ना ये छोटे हैं, वाले जो है बड़े, ये 2 एम्पेयर के, 2 एम्पेयर के, ये बड़े ये 3 एम्पेयर के, 3 एम्पेयर के जी, 2 इसमें टेक्नो इनफिनिक्स वीवो, ये फास्ट चार्जर है या फिर नॉर्मल है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल और फास्ट चार्जर, ऊपर फास्ट वाले, ये वाले जो है ये 65 वॉट का है, 65 वॉट जी, ओप्पो, ये सुपर वॉक का मैसेज आता है ठीक है। इसके साथ वाला असूस डॉक्टर है, ब्लैक वाला, और काफी ये असूस वाला, ये लेटवी ब्रांड है, ये असूस ब्रांड है, ये काफी है इसमें, ये MI के 33 वॉट का ये वाला, ये देखिए ना, ये MI बोल हुआ है, ये देख मैं आप इसी तरह, ये MI ठीक है। इसके अलावा ये जो जैकेट, सिम जैकेट, जैकेट है, DSLR कैमरे में लगाने के लिए, ये वाली OTG है, टाइप सी एंड्रॉइड दोनों जैक है, ये OTG टाइप सी है, टाइप सी और OTG एंड्रॉइड, और आईफोन नहीं है OTG, आईफोन भी है, आईफोन भी है, आईफोन ये वाली, ये देखें आईफोन एंड्रॉइड टू आईफोन। उसके अलावा ये नीचे आगे देखें कितने ज्यादा आपको USB केबल मिल जाएंगी, ये सारी USB केबल जी, ये सारी USB केबल है, तो इसमें बहुत सारी क्वांटिटी है आपके पास, जिसमें हमारे पास बहुत क्वालिटी भी बहुत है, क्वांटिटी भी फ्रेंड, ये देखें ये चार्जर्स देखें आप लोग, सारे फ्रेश माल लगाया हुआ है इनके पास, और एक क्वांटिटी के हिसाब से आपको जितनी चाहिए मिल जाएगा जी। इसके अलावा ये कार्ड रीडर है, ये कार्ड रीडर मिल जाएंगे जी, सोनी वाले कार्ड रीडर है जी, इसमें ये भी काफी क्वांटिटी में पड़ा हुआ ठीक है। चार्जर है ये काफी टाइप सी है, 5.8 एम्पेयर, 5.8 एम्पेयर, 3 USB है, मतलब एक टाइम पे ना आप 3 मोबाइल लगा सकते हैं। अच्छा, 3 केबल है इसके साथ जी, 3 केबल है इसके साथ आगे और बना हुआ है, ये आप एक टाइम में ना 3 मोबाइल लगा सकते हैं ठीक है। पीछे 3 USB है जी, चौथा, बाकी इसके चौथे 4 यानी कि लग ही सकते जी, 4 USB, 4 USB केबल्स आप लगा के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो इस चार्जर पे ज्यादा लोड तो नहीं पड़ता है? नहीं कोई नहीं, वैसे थोड़ा सा ये है कि जरा स्लो करेगा, ये नहीं होता, स्लो हो जाता है, स्लो कर, अगर एक टाइम में करेंगे ना तो फिर फास्ट चार्जिंग करेगा जी ठीक है। उसके अलावा ये जेन्युइन है हमारे पास, 35 वॉट, 65 वॉट, तो ये भी जो चीजें ये पिछली बार नहीं थी तो इस बार हमें बता दें प्लीज जी, ये नहीं आई, ये 7 लाइट है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इस तरह की चीज, इसमें मेमोरी कार्ड भी डलता है, USB भी डलती है, और वो है ये खुला पीस इसमें ये कलर चेंज होते हैं, ग्रीन हो गया जी। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी जो भी आप लेने आए तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मिल जाएगी जी जी, जितनी चाहिए मिल जाएगी, काफी क्वांटिटी में पड़ी है ठीक है। इसके अलावा ये बैटरियां दिखा दें हम जी, बैटरियों की तफाते हैं। अच्छा, ये कौन से मॉडल की बैटरी? ये इन्फिनिक्स की है, इन्फिनिक्स की है जी, ये 7 वाली ओप्पो की है ठीक है। कौन से मॉडल है इसके? काफी मॉडल है ठीक है, हर तरह के मॉडल मिल, हर तरह के मॉडल मिल जाएंगे ठीक है जी। इसके अलावा आईफोन की है, आईफोन की कॉपी है ये वाली जो है ना, पैकिंग में ये ओरिजिनल है, ये जो व्हाइट वाली है ना ये ओरिजिनल है, इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है ठीक। उसके अलावा मेमोरी कार्ड और USB कार्ड है, ये USB है, ये लूज भी मेमोरी कार्ड पड़े हुए, ये 2GB से 16GB तक लूज है, बाकी फिर 32-64 पैकिंग में हो जाती है हमारे पास। और सबसे ज्यादा ये मेमोरी कार्ड आपके पास कितने GB वाला पड़ा होगा?
ये हमारे पास 256 तक 128 GB तक 256 तक है जी, और ये आम एंड्रॉइड फोन उठा लेता है जी जी एंड्रॉइड, ये ज्यादातर जो 64 से ऊपर होते हैं ना फिर लोग कैमरों में यूज करते हैं, ठीक है हाँ वो फिर कैमरे वगैरह में इस्तेमाल है तो ठीक है। बाकी और इसके अलावा ये लूज में जी, ये लूज है, ये तो इनकी वारंटी होती है कोई जी, इसकी वारंटी होती है, इनकी जो है ना 6 माह वारंटी होती है जी, ठीक और इसकी जो है ना 3 माह वारंटी होती है लूज कार्ड की। बाकी आगे चल जाते हैं जी जी, चलते हैं। ये 10 क्लास के कार्ड होते हैं, ये लोकल नहीं होते, ठीक है हाँ इसकी गारंटी हम। अच्छा इनमें ये जो है ऊपर नीचे डॉक्टर वगैरह पड़े हुए, ये कौन से? ये 65 वॉट है सैमसंग के, 45 वॉट है। उसके अलावा ये हो गए, ये 8NS ब्लूटूथ वगैरह है, ठीक है। इसमें माइक भी है हमारे पास, बोया माइक है, बोया माइक जी, इसमें सिंगल डबल दो जी, ठीक है। बात करेंगे आप दो वायर है ये कैमरे के साथ लगा सकते हैं तो फ्रेंड अभी आपको जो क्वालिटी की आवाज आ रही होगी तो ये कंडेंसर माइक है बोया MM1, ठीक है। तो अभी मैं इस पे बना रहा हूँ वीडियो, और जो पहले जो भाई के पास लगा हुआ है माइक तो ये सब मेरे पास भी लगा हुआ था ये वाला, तो ये भी वायरलेस माइक होता है। और उसके अलावा ये बोया MM1, इसकी मैंने काफ़ी तारीफ वगैरह सुनी है माइक वगैरह की, बोया MM1। तो इनके भाई के पास ये पड़े हुए माइक, जितनी क्वान्टिटी चाहिए आपको मिल जाएगी। उसके अलावा इसमें आप लोग बताइएगा कि किसके माइक की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, साउंड क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। इसमें डबल भी है, सिंगल भी है। इसमें डबल माइक आता है बोया MM1 में जी, इनमें भी आ रहे डबल, वो अब से कोई इंशाल्लाह नेक्स्ट, ठीक है। तो इस पे आपको डबल भी मिल जाएगा और सिंगल भी मिल जाएगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना ये बोया MM1 की है, और इसकी साउंड क्वालिटी आप लोग लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि किसकी ज़्यादा अच्छी थी माइक की साउंड क्वालिटी। तो फ्रेंड बाकी ये देख लें, ये कौन सी एप्पल के? ये आईफोन की ओरिजिनल हैंड फ्री है, ये ब्लूटूथ के बगैर है, ये केबल है जी, ठीक है, ये ओरिजिनल है आईफोन जी, ये ब्लूटूथ के बगैर होते जो नॉर्मल है ना वो ये वाली है जी जी, ठीक है। ये वाली जो है ना ये इसके लिए ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है, ये नॉर्मल साउंड है, ठीक है, ये जेन्युइन है, इसकी बूफर साउंड है, ठीक है जी। रहे भी ये ओरिजिनल, और 11 Pro Max वगैरह 13 Pro Max सब पे स्पॉटेड है, ये नॉर्मल है, ठीक हो गया। तो फ्रेंड बाकी आज की वीडियो इतनी सी थी, और वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं। बाकी नई इनके सैटरडे वाले दिन आएगी बाकी जी इंशाल्लाह, इसके अलावा भी और अच्छी वैरायटी आएगी सैटरडे वाले दिन। बाकी भी सारे आपको मैंने दिखाया है तो काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।